यार वो इतना महान है कि वो जो भी चीज़ छूता है ना वो सोना बन जाता है। हबीब साहब के साथ वो नहीं था, वो जो भी चीज़ छूते थे ना वो धरती की मिट्टी बनती थी। अब हबीब साहब को गुस्सा आ गया। हबीब साहब कहने लगे, यही तो फर्क होता है अमेचर और प्रोफेशनल में। हबीब तनवीर भारत के मशहूर पटकथा लेखक, नाट्य निर्देशक, कवि और अभिनेता थे। हबीब का जन्म 1 सितंबर 1923 को रायपुर में हुआ, यानी कि आज से लगभग 100 साल पहले। हबीब की जन्म शताब्दी मनाने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन सहमत और जन नाट्य मंच के सहयोग से किया गया। हबीब साहब को मैं सबसे पहले मैंने देखा था आज से 50 साल पहले एग्जैक्टली, एक्चुअली उससे थोड़ा, 50 साल 6 महीने एक्चुअली। एक दिन मुझे मालूम नहीं था कि वो उनको आना था, बट आई रिमेंबर दिस वेरी क्लियरली दैट दिस वन स्लाइटली ग्रे हेड मैन केम एंड उन्होंने हमारे साथ एक वर्कशॉप किया। लोग कहते हैं ना कि अरे यार वो इतना महान है कि वो जो भी चीज़ छूता है ना वो सोना बन जाता है। हबीब साहब के साथ वो नहीं था, वो जो भी चीज़ छूते थे ना वो धरती की मिट्टी बनती थी। और ये उनकी खासियत थी कि उनके उस हमारे मतलब उस इलाके की, हमारे देश की, हमारी हमारे लोगों की खुशबू आती थी, महक आती थी उनके, आती है भी जब अभी भी लोग करते हैं उनके नाटकों से। अब नहीं रुका जाता, जो ऐसी की तैसी में गई हड़ताल और सब कुछ, धर्म कर्म सब कुछ बेकार है, लाओ मुझे, और उन्होंने खाना शुरू कर दिया। और इस तरह से मोटेराम शास्त्री अपने आराम से धरने से उठे। मोटेराम का सत्याग्रह मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी सत्याग्रह पर आधारित है। इसे हबीब तनवीर और सफदर हाशमी ने रूपांतरित करके एक नाटक का स्वरूप दिया। कहा हो मोटेराम, कहा हो मोटेराम, तुम्हें इतिहास पुकारे, पलट रहे हैं भार तुम्हारे हर कुमारे, पलट रहे हैं भार तुम्हारे हर कुमारे, कहा हो मोटे राम, तुम्हें इतिहास पुकारे, सुनो तुम्हें इतिहास पुकारे, सुनो तुम्हें इतिहास। मोटेराम का सत्याग्रह खूबसूरती से बताता है कि धर्म और राजनीति दो अलग अलग दुनिया है, और जब इन्हें एक साथ मिलाया जाता है तो लोगों के अधिकारों को कुचल दिया जाता है, जिससे जनता में आक्रामक विरोध पैदा होता है। शासक और पुजारी में जब गहरा गठबंधन हो जाए, शासक और पुजारी में जब गहरा गठबंधन हो जाए, बादल गरजे, बिजली पौधे,
प्रबल एक शक्ति जन्माए, मॉडल कर दे बिजली का भे, प्रबल एक शक्ति जन्माए। मजहब और धर्म का सियासत का जब एक जगह संगम हो जाए, मजहब और सियासत का जब एक जगह संगम हो जाए, सत्ता के हाथों में जैसे दम्भ अस्त्र को ही आ जाए। सन 1954 में हबीब ने जामिया मिलिया के कुछ अध्यापकों एवं छात्रों के साथ मिलकर नज़ीर अकबराबादी की कविताओं पर एक छोटा सा रूपक तैयार किया, जो आगे चलकर उनके मशहूर नाटक आगरा बाजार की शक्ल लेता है। हबीब ने इस नाटक के जरिए नज़ीर अकबराबादी को आम जनता तक पहुंचाने का काम किया और इस नाटक का अंत नज़ीर के आदमी नामा के संदेश के साथ होता है। यूँ आदमी पे जान को बारे है आदमी, और आदमी ही तेग से मारे है आदमी, पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी। और यहीं से ऊर्जा मिलती है एक नए नाटक को, नज़ीर कथा कीर्तन। पहले तो नज़ीर का इंट्रोडक्शन, मेरे दौर के जितने भी लोग हैं स्पेशली जो थिएटर में हैं उनको आगरा बाज़ार से नज़ीर अकबराबादी के बारे में पता चला है। अधिकतर लोगों को, मैं किसी दोस्त से बात करता हूँ तो बोलता है अच्छा आगरा बाज़ार, तो नज़ीर से कहीं हबीब साहब का कहीं बहुत बड़ा योगदान है नज़ीर को हमें इंट्रोड्यूस करने में। और फिर क्या हुआ, जो हमारी टीम है खेल तमाशा, लॉकडाउन के दौरान रिहर्सल्स बंद हो गई थी तो हमने जूम सेशंस किए थे बहुत सारे, तब हमने नज़ीर अकबराबादी को किया। तो थोड़ा हमने पढ़ाई लिखाई करी और रिसर्च की इस पर, तो हम बहुत उत्साहित हुए कहीं ना कहीं। और फिर थोड़ा सा हमने दो गाने तैयार किए थे पहले, आदमी नामा और रोटियाँ। फिर हमें इंस्पायर किया नज़ीर की पोइट्री ने कि हम और करें इस तरह का, और कोशिश ये की हमने कि हम एक अलग मतलब एक तरीका अपना ढूंढे कुछ नज़ीर को करने का। पर ये पक्का है कि श्रेय तो हबीब साहब को जाता है, और हम क्योंकि रंगमंच के संगीत में हबीब साहब का एक बहुत इम्पोर्टेंट योगदान है, बहुत अहम योगदान है, और बड़े खूबसूरत गाने थे आगरा बाज़ार के, तो कहीं ना कहीं उनके उन प्रोडक्शंस ने भी बहुत गहरा असर हम पे डाला। मतलब एक सपना होता है कि हबीब साहब का जब कोई प्रोडक्शन देखता है तो कि मैं भी कुछ ऐसा करूँ, तो ये मेरे ख्याल से वैसा ही कुछ था।